ये बहन की ड्रेस पहना हुआ है, तू भी पीयू लग रहा है। ओब्राई जाना है, ये बाथरूम है आपका ओब्राई में। रात के कितने बज रहे हैं? कैसी लग रही मेरे कान की वाली? अपना चश्मा लेने आगरा से। यार तो संजय के पापा आ रहे थे, और लाल मत दिखा देना भाई ने, पता नहीं कैसा बनाया, देखना पड़ेगा। तो भाई पेसिंग करा रहे हैं, भाई अब मैं निशान आया करवा रहा हूँ। क्या नाम अंकल आपका? अजय सिंह। अजय सिंह अंकल से करवा रहा हूँ। मैं कह रहा था, मैं अभिषेक और मैं आगरा दिल्ली से करवाने वाले थे, मगर नहीं, मैंने सोचा मैं किसी ने यहाँ पे आना, मैंने यहाँ से अंगूठी बनवाई थी, एक बार अंकल ने अंगूठी तोड़ दी थी मुझे याद है। माता रानी भाई लग रही है यार, खून निकल रहा है ना। नितिन आया था मेरे साथ लगवाने के लिए भाई, उन्होंने एक सेकंड लिया, बहुत तेज लगी भाई, बहुत ज्यादा डर भाई, दिमाग खराब। पोस्टमार्टम भाई साहब तगड़ा, ये निकाल दिया इसका पूरा कैप कूप। तो भाई ये ठीक हो रहा है हमारा, ये अरुण कुछ ना कुछ कर रहा है इसमें। बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, दोबारा लगा, दोबारा लगा, लाल वाला लग गया, बस एक रह गया, लगा लगा। अच्छा बाय करो, फ्लाइंग की चिका दो, फ्लाइंग की चिका दो ऐसे। तू बेटा अपनी बहन की ड्रेस पहना हुआ है, तू भी पीयू लग रहा है। चल बाय, आज की आरती खत्म हो गई भाई। Thank you.
इज़ माई लास्ट डे इन आगरा आज, मतलब अब मैं निकल रहा हूँ, अब मैं स्पेशली अब दिल्ली में सारा काम होगा तो यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है नवरात्र की, अब अष्टमी नवमी होगी जब भी होगी बस उसके बाद आऊँगा मैं। अब उठा लो अब तो उठा लो, अब तो खड़ा हो गया। तो भाई शाम को राहुल छोड़ने हैं यहाँ पे कुबेरपुर पे और मैं अपने घर जा रहा हूँ। रात के कितने बज रहे हैं? 3:30। चलो भाई थैंक यू भाई, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं दिल्ली तो हम बिगाड़ेंगे जब लौट के आएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू गाइस, गुड नाइट। भाई 3:30 बजे निकलने के बाद मैं अपने घर आ गया 6:00 शार्प। 3 जगह खुली, बस वही मैं सो गया था गाड़ी में, मतलब मैं फर्स्ट टोल पे, सेकंड थर्ड टोल पे मेरी आँख खुली और जहाँ पे रास्ता मेरा कटता वहीं मेरी आँख खुल गई, अच्छा हुआ, नहीं तो आगे पहुँच जाता कहीं। तो वहाँ से मतलब वहाँ से 6 बजे तक अपना घर आ गया, 6 बजे घर में, 12 बजे तक सोया, उठे ना, खाना वाना खाया, फ्रेश हुआ, अब मैं निकल रहा हूँ अपने काम पे। ओबराय जाना है, द ओबराय जो दिल्ली का मेन होटल है, मतलब कहते हैं बहुत जाना माना, तो अब जाना है फिर वहाँ पे जाके बात कर। तो भाई काम पे तो मैं पहुँच गया हूँ ऑन टाइम, लेट निकला, टाइम में पहुंच गया, खाली रोड मिला मुझे हर जगह, सबसे अच्छी बात, और आश्रम में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये बाथरूम है आपका ओबराय में, देखो कितना बड़ा भाई, 2 कमरे हैं तो। हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो? ओ भाई, टीवी इज ऑन, मिरर में, दिस इज मिरर, भाई लवली। तो भाई फिनिश में तो हुआ, नाउ 2 घंटा लग गया, सही है, जल्दी फ्री हो गई। तो बहुत मन था कि आज भी आगरा रुक जाऊँ बट काम आ गया तो सडनली मुझे सुबह भागना पड़ गया काम के लिए, और मैं कल रात को सोया नहीं था इसलिए 3:30 बजे भग गया था, तभी मैं 6 बजे पहुंच गया, नींद ले रही अच्छी। कैसी लग रही मेरे कान के वाली? क्यों? तो भाई घर पे मैं आ चुका हूँ, हमारी मेड नहीं आ रही है, खाना वाना मम्मी बना रही है, बहन बना रही है, कभी मैं कभी कोई, तो बर्तन बचे हैं, बर्तन पूरे करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, खाना वाना खाते रहें, थक चुका हूँ, मेरे को भी आराम चाहिए, थोड़ा बहुत काम है, 15 मिनट का काम है, बर्तन धो दूंगा। मैं सुबह सुबह यहाँ पे आ गया हूँ रेलवे स्टेशन अपना चश्मा लेने, आगरा से चश्मा लेने, चश्मा नहीं ले पाया संजय के पापा से, वो कह रहे D12 में था, मगर मुझे लगा वो यहाँ उतर जाएंगे ओखला स्टेशन पे, मगर वो उतरे नहीं, वो कह रहे D12 के अंदर आना है, मुझे पता, ये बात पता नहीं चली, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी, अब शाम को लेना पड़ेगा अपना चश्मा भाई, अब शाम को भागो। मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है ना जब कोई पेमेंट कर रहा होता हूँ, पूरे मंथ की जो मुझे शेड्यूल सारे बिल्स होते हैं वो जब भर रहा होता हूँ, जब कार्ड नहीं चलता, पता मैं क्या करता हूँ, तो मैं कार्ड लेता हूँ, सीजर लेता हूँ और खुंदक ला के अपने कार्ड को तो इससे कर देता हूँ भाई, 4-5 बार पेमेंट फेल, दिमाग ख़राब भाई, दिमाग ख़राब। तो राम राम जी। शांति आंटी आनी रही हैं तो खाना हमें ही बनाना है, आटा कहाँ है भाई, आटा रोटी बनानी है, रोटी मम्मी कहती है आटा गूंदा हुआ है, ये क्या, हाँ इतना ही बन जाएगी, 4-3 रोटी मिल जाएगी इसमें। अपना खाना रेडी हो गया, चलो 3 रोटी चावल सब्जी, जल्दी जल्दी स्टेशन भागो, स्टेशन जाना है, कहीं जा नहीं रहा हूँ, कुछ काम है, बता। तो भाई सीन ऐसा था, मैंने आगरा में चश्मा बनवाया था अपना और ये ख़राब हो गया, मतलब इसमें पूरे स्क्रैचेस लग गए हैं, तो नया बनवाने की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ बनवाया काफ़ी चीप पड़ता है, तो जो चश्मा मेरे को यहाँ पे 1800-2000 का पड़ता है वहाँ मेरे को 800-900 में बन गया है, और एक दिन पहले बनवाया था, अगले दिन मुझे दिल्ली निकलना था, तो इस मारे मैंने किसी को बोल दिया कि कोई आएगा तो ले आना, तो संजय के पापा आ रहे थे तो उनसे लेना है, मैंने सुबह भी आया था मैं यहाँ पे, मगर वो ट्रेन छूट गई उनकी और दोबारा यहाँ पे मैं आया हूँ शाम को, तो विंटर सिटी से जाएंगे, मैं ले लूँगा अब भाई अपना चश्मा, मेरा काम हो जाएगा। राम राम, स्टेशन पे आके आने का मज़ा ही अलग होता है यार,
ट्रेन चुप चुप गाड़ी आवाज़, कृपया ध्यान दीजिए और गाड़ी नंबर ये वो फलाना, भाई अलग ही मज़ा आता है यार। अभी स्टेशन आया हूँ और कल मुझे दोबारा सुबह निकलना है। अभी देख लिया होगा व्लॉग जिसने, तो मैं निकल चुका हूँ। कहाँ पे? नैनीताल। सही है, रिजंडी दिखाओ, लाल मत दिखा देना साले। और अंकल से मैंने पूछ लिया, वो कह रहे मैंने D14 में हूँ, D14 में तो D14 में तो आगे आएगा डब्बा, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। इस बार जल्दी आ गया, पहले मुझे लगा था कि वो ओखला पे उतरेंगे, मगर वो नई दिल्ली गए, तो इस मारे सुबह छूटी ट्रेन, अब पकड़ूंगा मैं जाके। तो भाई इंटरसिटी अपनी गाड़ी आ चुकी है, आप आगे जाओ। D14 आ गया है ना? क्या हुआ, मैं यहाँ तक आया, मैंने सोचा आप उतर गए, तो चक्कर में मेरे सामने था D14। थैंक यू सो मच भाई, अपना चश्मा मिल गया है, भाई ने पता नहीं कैसा बनाया, देखना पड़ेगा। हमारे बंडी देखे हो, कैसे लग रहा है? जहर का चूहा, जहर लग रहा है, जहर लग रहा है। आज शिक्षा मिल गई हमको, एकदम जहर लग रही हैं आप। There's not much to do when all I can